बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। तो प्रिपेयर करें दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैंगो आइसक्रीम लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आइसक्रीम बर्फ़ क्यों बन जाती है, क्रिस्टलाइजेशन क्यों हो जाती है, क्यों वो पत्थर जैसी हो जाती है, क्या ऐसा करें कि वो मक्खन की तरह सॉफ्ट रहे और बनाना भी आसान हो। सभी बातें तफसील से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात कि जो मैंगोज हैं उनको अच्छे से धो लेना है आपने। कोशिश करनी है डार्क कलर के मैंगोज लें और जो ज़्यादा मीठे वाले हों। अच्छा, इसके जो क्यूब्स होते हैं, जो पल्प निकालने का तरीका होता है, वो बेस्ट ये होता है कि आपने पहले ऊपर से ये बारीक छिलका उतार लेना है। अगर आप इनको फ्रीज कर लें तो ज़्यादा अच्छे से उतर जाता है, यानी कि ठंडा कर लें तो इस तरह से कट्स लगा देने हैं और उसके बाद इसके जो क्यूब्स हैं वो उतर जाएंगे। एक दूसरा तरीका होता है, लेकिन उससे ज़रा जो है वो पल्प ज़ाया होता है, ये तरीका बेस्ट है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा ब्लेंडर का जग लेंगे और आपने इसको अच्छे से पीस लेना है। इसका आपने एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है, अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है। अब व्हिपिंग क्रीम को लेके बहुत से सवाल आते हैं कि कौन सी क्रीम जो है आइसक्रीम में यूज़ की जाती है। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला टिप कि आपने जो इस बॉल में इसको व्हिप करना है क्रीम को, वो बॉल आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट के लिए। ये है हमारे पास व्हिपिंग क्रीम, ठीक है। ये आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से ईजिली अवेलेबल होगी। इसकी जो एक्सपायरी है वो आपने अच्छे से देखनी है। किसी भी ब्रांड की आप ये यूज़ कर सकते हैं। इवन डेयरी फार्म से आपको ये खुली भी मिलती है, जो ओपन चीज़ें जैसे मिलती हैं व्हिपिंग क्रीम, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह की होती है। ये देखें आप, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। एक और टेट्रा पैक आती है क्रीम जो व्हिपिंग नहीं होती, वो थोड़ी सी ठोस होती है जैसे दही होती है, ठीक है, लेकिन ये वाली लिक्विड फॉर्म में होती है। इसको भी आपने बिल्कुल ठंडा या चिल यूज़ करना है, ठीक है। मैंने इसको फ्रीजर में 2 से 3 घंटे रखा था। ये जमी हुई नहीं होनी चाहिए, बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने क्या करना है कि मशीन को चला देना है और आपने इसको व्हिप करना स्टार्ट कर देना है। चूंकि हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ नहीं कर रहे, तो उसकी जगह थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है। आम भी माशाल्लाह से बहुत मीठे हैं, तो इसमें जस्ट मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून चीनी का ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अब आपने इसको चलाते रहना है। पीसी हुई चीनी ना भी हो, दूसरी चीनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी दूसरी की है। अब आपने इसको व्हिप करना है। कब तक व्हिप करना है, कितना व्हिप करना है, ये डिपेंड करेगा आपकी मशीन पे। ये देखें, ये अभी क्वांटिटी में डबल हो चुकी है, लेकिन अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। हम इसको तब तक व्हिप करेंगे जब तक ये स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, मतलब ठोस टाइप चीज़ ना बन जाए। ये देखें आप, यहाँ पे ये हो चुकी है। इसका तरीकाकार ही होता है, आप इसको चम्मच से देखें ऐसे, ये नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है, मतलब कि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रही, ये स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक हो गया, ठोस हो चुकी है। तो यहाँ तक अगर आपने व्हिप ना किया तो आपकी जो आइसक्रीम है उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, उसमें बर्फ जम सकती है, वो हार्ड हो सकती है। चलें जी, यहाँ तक आपने कर लिया। अब ये लें जी, ये पल्प हमारे पास था, पल्प इसमें मैंगो का ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप किसी और भी फल का पल्प चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है या कोई भी फ्रूट है। चलें जी, ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें जर्दा कलर ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है खूबसूरती का ध्यान भी पूरा रखना पड़ता है। एम्बो जो मैंगो है उसका कलर इतना डार्क नहीं था, तो अब आपने क्या करना है, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। ये देखें, चलें जी, अच्छे से मिक्सिंग कर देने के बाद मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए कुछ किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने जब मैंगो को काटा था तो उसके कुछ क्यूब्स, कुछ चंक्स जो हैं वो बचा लिए थे, उसको इस क्रीम में ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, ये देखें, बिल्कुल छोटे साइज़ के आपने काटने, इससे क्या होता है खूबसूरती आ जाती है, थोड़ी सी यूनिकनेस आ जाती है आपकी रेसिपी में। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये एक बॉल सा है, चौड़ा सा, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। ये लें जी, अब आप देखिएगा जब इसका फाइनल होगा तो ये बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं बनेगी, ठीक है, ठोस नहीं होगी, पत्थर नहीं है बनेगा। तो अच्छे से इसको इसमें ऐड कर देते हैं। यहीं पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, हमने कितना शानदार तरीके से इसको व्हिप किया है, ठीक हो गया। चलें जी, बॉल को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। अब हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देना है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होती तो खुद ही नीचे आ जाती, लेकिन आप देखें कि ये कितनी स्ट्रांग है, ये बिल्कुल भी खुद नहीं हिल रही। चलें जी, इसको प्लेन कर देते हैं और उसके बाद मज़ीद कुछ चंक्स इसके ऊपर लगा देते हैं, कुछ ये देखें आप। चलें जी, अब आपने इसको फ्रीज़र में रखना है 4 से 6 घंटे के लिए, इस तरह से ढांप के। उसके बाद चलें जी, अब देखते हैं कि ये कहीं बर्फ़ तो नहीं बनी। तो इस तरह से
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये बिल्कुल क्रीमी है, बिल्कुल मक्खन की तरह है, ये बर्फ़ जैसी नहीं बनी, ना ही ये पिघल के पानी बनी। तो यही थी असली आइसक्रीम। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।